की सब्जी मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सब्जी व्यापारी के साथ दो अज्ञात नकाबपोश लुटेरों द्वारा रिवॉल्वर की नोक पर नकदी भरा बैग छीनने की कोशिश की गई। दिल्ली से आए सब्जी व्यापारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह सप्ताह में एक दिन यहां पर अपनी सब्जी की पेमेंट लेने के लिए आते हैं। आज लगभग 1.5 लाख के करीब पेमेंट एकत्रित हुई थी। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकले तो दो अज्ञात नकाबपोश मोटरसाइकिल पर आए और बैग छीनने की कोशिश की, परंतु उनके शोर मचाने पर उनकी कोशिश नाकाम रही। इस वारदात के समय लुटेरों द्वारा हवाई फायर भी किए गए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने अज्ञात नकाबपोश लुटेरों की खोजबीन जारी कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि नई सब्जी मंडी में एक व्यापारी के साथ लूटपाट होने के चलते हवाई फायरिंग करने का मामला संज्ञान में आया है, जिसके चलते मौके पर पहुंचे। इस वारदात में गनीमत यह रही कि लुटेरे बैग छीनने में नाकामयाब रहे। वही मंडी के सब्जी व्यापारियों ने कहा कि यहां पर आए दिन इस तरह की वारदात होती रहती है, जिससे सब्जी विक्रेता डर के साए में अपना कारोबार करने में मजबूर है। व्यापारी देखो ना, क्या पता आपके जान पहचान हो, आसपास के रहने वाले हो। व्यापारी आदमी थोड़ा ही काम करेगा, ये तो पार्सल लुटेरे आ रहे हैं कहीं से इधर उधर से, वही करने उनको कहीं ना कहीं तो रेकी होगी ना कि आप पेमेंट लेने के आए तो बैग में पेमेंट है सब कुछ करेगी। इस चीज में हम तो सब्जी मंडी वाले अपना काम कर रहे हैं, कई बार वारदात हो चुकी है। ये वो तो छानबीन जो है कि पुलिस का काम है, रेडी वाले वैसे कोई दुश्मनी है नहीं, रूटीन में वो अपना पेमेंट सब लेके जाते हैं। आप प्रशासन से आप क्या गुहार लगाते हैं? यहाँ पे जो है ना समय की इतने घूमते हैं, कल रात को जो है 12 बजे स्कूटर पे और पहले वो अंदर दुकान में देखता फिर बाहर और एक पेटी उठा गया अपना रात को चलता बना। अच्छा, तो ऐसे ऐसे काम तो बहुत ज्यादा, और इधर छोटे छोटे वारदात जो गिनती में नहीं है। और इससे कुछ टाइम पहले जो है कि इधर से जो है एक अपनी दुकान उसी किराए पे 225 नंबर उसके साथ आज से हफ्ते होते बचे ऐसे उसकी भी रिपोर्ट कराई। ये समझे हफ्ते में 4-5 वाक्य होता है। तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है क्या? द्वारा देखो जो कार्रवाई करने के लिए बोला जाए एप्लीकेशन देते हैं वहाँ जाके उतरते हैं, लेकिन अब तक तो कोई मिले तक पिछली वारदातों में कुछ तक रिजल्ट कोई नहीं है। ये तो हमें एक अभी सारे मंडी एसोसिएशन इकट्ठी होगी वो कहे कि यहाँ पे पुलिस का बूथ वगैरह या कोई ऐसा कुछ कराएंगे, ताकि छोटे मोटे हादसे तो जो है वो तो डेली के हैं, कभी कोई रेडी वाले के पैसे छीन लिए, हर आदमी जो है डर के आता है यहाँ दिन में ऐसे जो है कि आदमी मतलब पहुंचेगा तो कारोबार है, बिजनेस है, कहीं ना कहीं आज का जो हादसा है आप उसकी जो फुटेज में है आप खुद देखोगे ना, उसकी फायरिंग जो की है वो तो उससे समझो कि ऊपर से निकल गई, अगर कहीं उसके सिर में कहीं और कहीं लग जाती है तो शायद जान चली जानी थी। उसने कोशिश करी पहले बैग छीनने की, बैग उसने नहीं दिया तो उन्हें अपना फायर किया, उन्होंने फायरिंग करी उसके ऊपर, जिससे वो फायरिंग ना लगने से वो भाग लिया। भागने के बाद एकदम जैसे कि सारे मंडी के इकट्ठे हो गए पल्लेदार जो आड़ थी शोर शराबा किया, तो उन्होंने मोटरसाइकिल उठा के जो है इधर जो मेन एक नंबर गेट से बाहर निकले भागे। हाँ, वो मौके से फरार हो गए। तो अब कौन कौन आए पुलिस को? अब इसके बाद में चौकी चारा नील जी आए हुए थे, बाकी और पुलिस आई है जो अपना काम कर रही है फुटेज वगैरह। पहले भी ऐसी घटना हो चुकी? हाँ, पहले भी ऐसी 2-3 घटना होगी लूट की। और इसका तो कैमरे में सीसीटीवी उसमें देखा तो बिल्कुल साफ क्लियर जो है इनको लिया। क्या नजर आया? जींस डाल रखी दोनों ने, स्पोर्ट्स शूज है। अच्छा। एक ने टी शर्ट डाल रखी है और दूसरे ने ऐसी शर्ट डाल रखी है, चेहरा उन्होंने ढका हुआ है उसे। क्या नाम आपका? नरेंद्र। वो छोड़ा ना लोग जुटा ना तब मैं इधर आ गया। अच्छा, तो कहाँ से आए थे आप? मैं दिल्ली से आया। तो कोई हो सकता है जान जान को और एक ही की हो आपकी, तभी पता चला हो कि आपके पास कैश है? नहीं, वैसे तो नहीं होता है, मैं तो कल आने वाला था आज आया हूँ। किस चीज़ की बुराई करते हो? वो ये सब्जी उब्जी आता है हमारा सप्ताह में एक बार अदरक। कितने पैसे होते हैं आपके पास? कितने शाम तक? सर 1.5 लाख रुपया हो जाता है। अच्छा, 1.5 लाख रुपया होता है, तो उसके छीनने का प्रयास किया उन्होंने? हाँ, छीनने का। तो ऐसा जो आपको जानते हो पीछा लग रहा? नहीं, यहाँ तो ऐसे उगराई करते हैं बस, और तो कोई ना जानते हैं। कितने गोलियां चलाई? कितनी गोलियां चलाई उन्होंने? एक मोटरसाइकिल वाला खाली गोली चलाई। फायरिंग लगी तो नहीं आपको? ना लगी नहीं। हवाई फायर किया उनको? हवाई फायर किया। अच्छा, तो उसके बाद पुलिस को इतला दे दी आपने? पुलिस मैं तो ना दिया था। अभी पुलिस आ गई है? पुलिस आ गई है, सारा कुछ हो गया कैमरे में। आपको ड्राइवर हूँ जिन इनके साथ आता हूँ। अच्छा, आज पहली बार ऐसा कांड हुआ है जो कि यहाँ गाड़ी उनके सामने लगा खड़ी करवा के कह कि मैं सामने दुकान से पेमेंट लेने जा रहा हूँ, ये वहाँ से जब लेके आ रहे थे तो इनको पकड़ लिया गया। अच्छा, तो इनसे बैग छीनने की कोशिश करी गई। कौन सी गाड़ी में थे आप?
मैं तो डिजायर में था। अच्छा, और इनको पकड़ लिया जैसे नीचे? हाँ, ये वहाँ से आ रहे थे ना पेमेंट लेके, तो इनके तो बैग में छीनने का प्रयास किया, बैग छीनने का प्रयास किया गया, गोली चलाई, फिर उन्होंने इन्होंने बैग नहीं छोड़ा तो उन्होंने गोली चलाई। गोली? अच्छा, हवा में एक फायर करा। क्या नाम आपका? मेरा नाम तो दीपक है। ये हमारी मंडी में ये तीसरा चौथा वाक्य हो चुका है। ये कनार सब्जी मंडी, ये ऐसे वाक्य जी ये कई बार हो चुके हैं, और जी ये तो अड़तियों के साथ है, रेडी वालों के साथ तो इतने वाक्य हो चुके हैं जो गिनती में नहीं आ रहे हैं। वो तो बेचारे पे बताते भी नहीं, उनको पीट लेते हैं रस्ते में, 5-4 हज़ार रुपए खोस लेते हैं। पहले भी ऐसी वारदात, ऐसी वारदात दुनिया भर की हो चुकी है। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। ये दो मोटरसाइकिल से आए, बैग छीन लिए, छीने नहीं, चंबल चाली बच गया। बच गया तो गोली चलाई गई? गोली तो हवाई फायरिंग की, हवाई फायरिंग की। आपको तो क्या हुआ उसके बाद? आपने बैग? मैं चिल्लाया तो लोग जुट गया, भाग गए, वो फरार हो गए। हम फरार? पुलिस मौके पर आ गई है? हाँ, पुलिस आ गई थी, पुलिस एकदम मौके पर आ गई थी। सीसीटीवी देख रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी सब, पुलिस तो मौके पर आ गई। उगाई कर ले। चंद्र जी, क्या मामला है आज, क्या पता लगा था? कितने फायर बताए जा रहे? कोई एक घर है, कोई दो घर है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.